नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं CAA से इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आई है उसका जियोपॉलिटिकल एंगल। देखो, जियोपॉलिटिक्स के अंदर में पूरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और USA, एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको डिस्क्रिमिनेटरी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को ये लागू ही नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर एक धब्बा है। तो आज ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को किन पॉइंट्स के बेसिस पर क्रिटिसाइज कर रही हैं, इसको समझते हैं और उसके बाद एक एक पॉइंट को एक एक करके इन सबका जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के अंदर में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली ये वीडियो, आप पूरी देखने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर ये उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, उसने अपनी वेबसाइट पर ये आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में बताया है कि जो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये एक बहुत बड़ा ब्लो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये काला धब्बा है, ये बहुत गलत हो रहा है इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके या उसको इंप्लीमेंट करके। उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर कहा है कि ये जो CAA है ये फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है। यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि इसमें आपने जी मुस्लिम्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, मुस्लिम्स भी तो माइनॉरिटीज हैं आपकी कंट्री में, तो आप उनको भी सिटीजनशिप दीजिए। जो मुस्लिम दूसरी कंट्री से आए हैं यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जो मुस्लिम्स आए हैं इंडिया के अंदर में, आपको उनको भी सिटीजनशिप देना चाहिए, ये UN ने कहा है। और USA ने कहा जी हम तो बड़ा कंसर्न है इस पूरे एक्ट को लेकर के और इसीलिए हम इस पूरे एक्ट के इंप्लीमेंटेशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप इन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और USA के रिमार्क्स को सम डाउन करो, सम अप करो, तो मेजर इनके दो इश्यूज हैं। इनका सबसे पहला इशू यह है, बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता रहा हूं, इनके सबसे पहला इशू यह है कि जी परसिक्यूटेड अगर आप माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप दे रहे हो अपनी कंट्री के अंदर में, तो आप रोहिंग्या मुस्लिम्स को भी दीजिए, वो भी परसिक्यूटेड है, वो भी परेशान किए हुए हैं। आप यहां पर श्रीलंकन तमिल्स को भी दीजिए, आप भूटनीस को, हजारास को, शियास को, अहमदियास को, ये सब परसिक्यूटेड लोग हैं, सब परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं, आप इनको भी सिटीजनशिप दीजिए अपनी कंट्री के अंदर में। अब इसका काउंटर करने के लिए आप थोड़ा सा समझना ये सारे इश्यूज हैं क्या। देखो, आपको पता है रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो म्यांमार में इशू है, रोहिंग्यास का इशू एक्चुअल में अरकान एथनिक ग्रुप से है। वहीं दूसरी तरफ आप श्रीलंकन तमिल्स को देखोगे तो श्रीलंकन तमिल्स का जो पूरा श्रीलंका के अंदर में इशू है वो सेनेलीज के साथ में है। और ये सारे इश्यूज को अगर आप सम डाउन करोगे, ये सारे एथनिक इश्यूज हैं यानी कि एथनिक क्लैशेस हैं और इनका हम जो कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को दे रहे हैं एक सिटीजनशिप अपनी कंट्री के अंदर में, और वो परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज जो कि 2014 से पहले इंडिया के अंदर में आई थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिटीजनशिप देने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी से सिटीजनशिप लेने की कोशिश यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो एथनिक क्लैशेस और परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज के इश्यूज में फर्क है। एथनिक क्लैशेस का अपना अलग मुद्दा है और परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज का अपना अलग मुद्दा है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव समझोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देखो सिटीजनशिप क्या होती है, सिटीजनशिप बेसिकली अपने राइट्स को पाने का एक जरिया है, अपने पॉलिटिकल राइट्स को, अपने सोशल राइट्स को पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। बहुत सारे जो परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और उसके साथ साथ बांग्लादेश से इंडिया में आई थी, उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं थी तो वो अपने सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय नहीं कर पाते थे, और उसी को ठीक करने के लिए इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उनको सिटीजनशिप दे देते हैं ताकि वो भी अपने सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय कर पाए। तो ये सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, हम सिटीजनशिप लेने की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो आपका ये रोहिंग्या मुस्लिम्स और ये श्रीलंकन तमिल्स वाला कंसर्न है ये बिल्कुल इनवैलिडेटेड है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा इनका इशू ये है कि साहब ये जो आर्टिकल 14 है, मेजरली UN ने ये चीज कही है कि साहब ये जो आर्टिकल 14 है आपका जो राइट टू इक्वालिटी प्रदान करता है सारे सिटीजन्स को, इसके डिस्क्रिमिनेशन में है या इसके इसको वैलिडेट नहीं कर रहा है ये पूरा एक्ट, क्योंकि आपने इसमें जी मुस्लिम्स को तो इन्वॉल्व किया नहीं। तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करना, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और इसी के अंदर में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी आते हैं जिसके तहत रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है। और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, जैसे हम रिजर्वेशन जो देते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ये इसी रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर में है कि जी हम किसी का भला करने के लिए अगर कोई एक्ट बनाते हैं उस कम्युनिटी का भला करने के लिए और उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो परसिक्यूशन के साथ जा रहा है यानी कि वो रीजनल क्लासिफिकेशन के साथ लिंक हो रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो ये चीज, इसीलिए तो रिजर्वेशन वैलिडेट है हमारी कंट्री में। तो इसी के तहत आप समझना कि इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है,
वो पर्सिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देना है, और इसीलिए उनको रीजनेबल उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन किसको किया गया? हिंदूस, सिक्स, जैन्स, पारसीस, इन लोगों का किया गया है। अगर हम सिर्फ हिंदूस को ये राइट दे रहे होते या ये सिटीजनशिप दे रहे होते तो ये अनरीजनेबल था, या अगर हम सिर्फ सिक्स को दे रहे होते तभी अनरीजनेबल था। लेकिन यहां पर तो जितने भी पर्सिक्यूटेड हमारी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहती हैं और वो माइग्रेट करके आए हैं इंडिया में, हम इन सारे माइनॉरिटीज को दे रहे हैं ये सिटीजनशिप। इसीलिए ये आर्टिकल 14 के अंदर में रीजनेबल क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई करता है और ये बिल्कुल राइट टू इक्वालिटी को भी जस्टिफाई करता है। इससे कोई भी इसका लेना देना नहीं है और यही इनका काउंटर है। बिना आपने, और हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने भी ये चीज कही है कि क्या आपके कंट्री के अंदर में, जो फॉरेन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, क्या आपके कंट्री में 370 जैसा कोई आर्टिकल है क्या? क्या 370 जैसा राइट आप देते हो क्या? क्या आपकी कंट्री में पार्टीशन हुआ है क्या? या आप इंडिया के प्लूरल जो पूरा हमारा ट्रेडिशन है उसको आप समझते हो क्या? बिल्कुल नहीं समझते हो। तो आप जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझते हो, आप इंडिया के प्लूरल ट्रेडिशन को नहीं समझते हो, तो आपका किसी चीज पर बयान देने का मामला ही कैसे बैठता है? ये तो इंडिया का अपना इंटरनल मामला है, हमारी मर्जी हम किसको सिटीजनशिप दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, इससे आपका क्या लेना देना है? यूएस जैसी कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल इस पर टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें। और हमारे होम मिनिस्टर जी से कई सारे सवाल पूछे गए थे, इसमें जो सवाल पूछा गया था कि साहब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है चलो उनको तो मिल जाएगी सिटीजनशिप, अब जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका क्या होगा? तो इसमें कहा उन्होंने कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके लिए हम कोई रास्ता निकालेंगे, बट जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका 85% लोग हैं वो, उनको तो मिल जानी चाहिए। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी सोचा जाएगा, उसके लिए भी कोई रास्ता निकाला जाएगा। और इवन ये जो जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर यूएसए द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा, इसको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज हमारी होम मिनिस्ट्री ने भी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बोला गया है उनके द्वारा कि ये बिल्कुल जो फॉरेन मीडिया है बिल्कुल मिस इन्फॉर्म्ड है, उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता है, बिल्कुल ये लोग मिस इन्फॉर्म्ड और अनवॉरेंटेड हैं, और इसीलिए इनकी कोई बात नहीं बनती है इस पर किसी भी तरीके का टिप्पणी करने का। और यूएसए जो टिप्पणी कर रहा है, यूएस ने क्या किया? यूएसए ने नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया? आपको पता है कि नेटिव अमेरिकन की जो लैंड थी बहुत बड़ी मात्रा में वो ले ली थी यूएसए ने, जो कैलिफोर्निया वाला आज के प्रेजेंट डेट में जो कैलिफोर्निया का पूरा प्रोविंस है, जो कैलिफोर्निया का पूरा एरिया है, वो एक्चुअल में नेटिव अमेरिकन का लैंड हुआ करता था, जिसको उनसे छीन लिया गया था, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था वहां से उन नेटिव अमेरिकन को। और नेटिव अमेरिकन की बात तो छोड़िए, बहुत पुरानी 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी की बात है। नेटिव अमेरिकन के अलावा ब्लैक्स के साथ क्या किया? 2013 में ब्लैक्स लाइफ मैटर करके पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था यूएसए के अंदर में। और ये ब्लैक लाइफ मैटर करके प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ था? ये बेसिकली जो पुलिस ब्रुटैलिटी थी, यूएस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो ब्रुटैलिटी करती थी अश्वेतों के साथ में, उसके लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 2013 में। जो वायलेंस होता था ब्लैक्स के साथ उसके लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, खुद यूएसए के अंदर में 2013 में यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। इवन आज भी पुलिस ब्रुटैलिटी करती है उन ब्लैक्स के साथ में, उनके लिए यूएस क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो जब आप अपना इंटरनल मैटर नहीं सुलझा पा रहे हो तो आपका कोई तुक नहीं बनता है इंडिया के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने की। और वो आपकी जो टिप्पणी है वो भी मैंने अभी काउंटर करके दिखाया कि वो बिल्कुल गलत है। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ही नहीं जानते हो, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं समझते हो, तो आपको टिप्पणी करने का कोई बात इसमें बनती ही नहीं है। तो आई होप आपको किस तरीके से ये पूरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के एक पूरा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर, उसको काउंटर किया हमने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा मामला क्या है, किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसका काउंटर क्या है, वो सारी चीजें। तो इंडिया का बहुत स्ट्रांग स्टैंड है इस पर, और इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपने सीधे कड़े शब्दों में कह दिया है कि ये बिल्कुल वापस हम नहीं लेने वाले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, ये जिस तरीके से आया है उसी तरीके से लागू किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।